हेलो फ्रेंड, क्या हाल है। तो फाइनली मेरा ये नया सेटअप, मैंने अभी फिलहाल में ही ये पूरा डेस्क सेटअप मैंने किया है। और पहले मेरा जो सेटअप था थोड़ा सा छोटा था और कंपोनेंट मेरा पास बढ़ते जा रहा था, तो उसके कारण से मुझे एक नया सेटअप बिल्ड करना पड़ा। तो ये मेरा फाइनली अभी रिसेंटली ऑर्डर करके मिस्त्री को बोल के बनवाया है। आपको आज पूरा ये रिव्यू देंगे कि आप लोगों को क्या, अगर डेस्क बना रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या इसमें ध्यान देना होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये पूरा डेस्क मुझे बनाने में है, टोटल मेरा प्राइस पड़ गया, सब पहले से आपको प्राइस बता देते हैं, इसका प्राइस पड़ गया है 6500 रुपया। और थंबनेल में भी आप देख ही लिए होंगे कि ये 6500 रुपये में पड़ा है। तो देखने में ये वाकई में लगता नहीं है कि 6500 रुपये का है, तो वो इसका ट्रिक हम बताएंगे कि आप लोगों की कैसे 6500 रुपये पड़ गया। एक्चुअल में आप पहले इसका डायमेंशन सब बता देते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 5 फीट का लेंथ हो जा रहा है जो पूरा चौड़ाई है, और यहाँ पर जो डेप्थ हो जाता है तो वो हम 2 फीट का रखे हैं। एक्चुअली में ये 25 इंच का रखे हैं, तो 24 इंच का फीट हो जाता है, तो 24 25 बाई 5 फीट के 60 इंच हो जा रहा है। और इसका जो हाइट होता है, हाइट का मेन मैटर रखता है। ऐसे देखा जाए तो सब कोई का अब अपने अपने हाइट के हिसाब से आप बना सकते हैं, तो वैसे स्टैंडर्ड साइज इसका 30 इंच है, तो मेरे लिए भी सही रह रहा था। तो मेरा चेयर के हिसाब से मेरा परफेक्ट बैठने पर एकदम परफेक्टली मेरा पैर अंदर आराम से आ जाता है। और कीबोर्ड के हमको रखना था, इसके लिए 25 इंच एकदम हमको परफेक्ट हो रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये इसका मोटाई है, तो मोटाई के हिसाब से आपको देखने में लग रहा है कि बहुत हेवी है, वैसे है नहीं। इसका जो ट्रिक यूज किया गया है, इसका जो यहाँ पर जो 18 mm का प्लाई आता है, उसको मैंने बोला कि इसको डबल कर दो, जो पीछे से है ना 2 इंच का, सिर्फ 2 इंच का एक्स्ट्रा रख के और इसको ऊपर से बिट लगा दिया गया है। वैसे देखने में लग रहा है मोटा है, पर इतना मोटा है नहीं, पर फिर भी 6500 के हिसाब से ये डेस्क वाकई में परफेक्ट है। उतना भी हेवी इसमें मटेरियल यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, दराज बनवाए हैं और नॉर्मली यहाँ पर डिब्बा उब्बा रखने के लिए ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेरा जो 25 इंच का यहाँ पर देख रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ दराज के लिए इतना ही यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर लंबा अगर यूज़ करेंगे तो मेरा ये जो दराज के यहाँ पर चैनल यूज़ किया हुआ है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चैनल पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो मेरा ये चैनल भी थोड़ा सा लोकल है, लोकल नहीं, एवरेज, सब एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया गया है इसमें। और बाकी यहाँ पर जो लाइटिंग का इफेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा नीचे का यहाँ लाइटिंग का पूरा वायरिंग का जो है बोर्ड यहाँ पर यूज हुआ हुआ है, उसके कारण से फ्रंट में कुछ भी आपको नहीं देखने मिलेगा, कोई भी वायरिंग का आपको देखने नहीं मिल जा रहा है। और यहाँ पर अंदर से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा एक बीट लगाया है उसी के अंदर के हिसाब से कि वहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड हम रख सकें, कि हमको कहीं भी नीचे जमीन पर ना रखना पड़े। यहाँ पर पीछे से जो भी बोर्ड लगा हुआ है, ये जो लाइट का भी है, लाइट का भी इफेक्ट है, यहाँ पर हम स्विच लगाए हैं इसको बंद करने के लिए। तो ये अपना से खुद से सेटअप है, बाकी तो वायरिंग वाला जो सेटिंग है तो वो तो वायरिंग तो रहेगा ही, मगर नीचे से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक भी वायर नहीं दिखेगा, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है ऑब्वियसली पीछे से। अब बाकी ये वाला जो है, वैसे ये हम खुद से ये बोर्ड हम नहीं लगवाना चाह रहे थे, कि ये बोर्ड अजीब सा लग रहा था, फिर भी उन्होंने बोला कि इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका दोनों का जो ये सपोर्ट है इसको बने रखने के लिए, और यहाँ पर जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है इसके लिए हमको अच्छा लग रहा था। तो ये ऐसे तो सपोर्ट के लिए लगाए, पर इसमें एक चीज़ हमको फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर जब हम बैठेंगे तो ये पैर पेल रख के आराम से वीडियोस देख सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमको फ़ायदा हो रहा है। बाकी जो लाइटिंग का जो इफेक्ट है, लाइटिंग जो लगा है, वो मैंने ऑफलाइन ही ऐसे मार्केट से मैंने ले लिया। आपको लेना अगर चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। सो आई होप ये पूरा डेस्क सेटअप, मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ डेस्क सेटअप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप जो भी इसमें कमी है या कुछ भी इसमें आप कॉम्प्लीमेंट या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। और इसमें अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे टेक से रिलेटेड जो भी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी हेल्दी।